वरुण ने किया काव्या को किडनैप और बताएगा काव्या को अपने डैड पृथ्वी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब वरुण काव्या को कॉल करेगा और काव्या वरुण का फोन जब नहीं उठाएगी तभी वरुण दोबारा काव्या को कॉल करेगा, तभी काव्या वरुण का फोन उठा लेगी और काव्या वरुण को कहेगी कि वरुण बोलो क्या हुआ। तभी वरुण भोला भाला सीधा बनकर काव्या से बात करते हुए काव्या को कहेगा कि काव्या मैं यहाँ पर जब रस्ते में खड़ा था ना तब कुछ लोग जबरदस्ती प्रीता को किडनैप करके अपनी कार में भरकर ले गए हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है और अभी मैं उनका पीछा कर रहा हूँ और वो लोग शायद इस जगह पर रुके हैं। ये कहकर तभी काव्या वरुण को कहेगी कि वरुण कहाँ है मॉम, तभी वरुण कहेगा इस जगह पर है तुम यहाँ पर आ जाओ। तभी जब काव्या वरुण की उस जगह पर जाएगी तभी वरुण के दो आदमी किसी को भी पता ना चले ऐसे काव्या को उठा लेंगे और काव्या को किडनैप करके वरुण के अड्डे पर ले आएंगे और काव्या का हाथ बांध देंगे, जहाँ पर जब वरुण काव्या के पास आएगा और काव्या को कहेगा कि काव्या तुम कैसी हो, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्या तुम भी मुझे मिस कर रही थी। तभी यह सुनकर काव्या को काफी बड़ा शॉक लगेगा, जहाँ पर जब वरुण काव्या को कहेगा कि काव्या तुम अभी सोच रही होगी कि तुम्हें मैं यहाँ पर लाया किस लिए हूँ और मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी। तभी यह सुनकर काव्या कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी वरुण काव्या को कहेगा कि काव्या ठीक है तुम कुछ बोल नहीं रही हो तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस लिए लाया हूँ और क्या मकसद है मेरा। ये कहते हुए जब वरुण अपने डैड पृथ्वी की कहानी काव्या को सुनाएगा और काव्या को कहेगा कि काव्या तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड का घर होने के बावजूद मेरे मॉम डैड कभी एक दूसरे के पास नहीं रहे, कभी मेरे डैड इधर रहते तो मॉम उधर रहती और कभी मॉम इधर रहती तो मेरे डैड उधर रहते, ऐसे करके मेरे मॉम डैड की पूरी जिंदगी निकल गई। मेरे मॉम डैड का सब कुछ घर से लेकर बिजनेस तक सब कुछ छीन लिया गया, वो भी पता है किसकी वजह से, तुम्हारे डैड करण लूथरा की वजह से, उस करण लूथरा की वजह से। इसे सुनकर काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा और वरुण कहेगा कि उसके बाद मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए और मेरी मॉम को मेरे डैड को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ सहारा भी नहीं था, मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए तो सब खत्म हो गया और यहाँ पर इसीलिए तुम्हारे घर से मैं बदला लेने आया था और तुम्हारे परिवार से बदला लेने के लिए मेरे पास एक ही चारा था, वो था तुमसे शादी करने का। जिसे सुनकर काव्या को कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पर जब वरुण काव्या को कहेगा कि तुम इतनी शांत क्यों हो गई, चलो यहाँ पर इसलिए मैं वही चीज के लिए तो तुम्हें बुलाया हूँ, आओ चलो काव्या शादी करते हैं, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना। तभी यह सुनकर काव्या रोती हुई वरुण को कहेगी कि नहीं मुझे वरुण तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। जैसे सुनकर तभी वरुण चिल्लाकर कहेगा मैंने एक बार कह दिया ना चलो तो चलो। जैसे सुनकर काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा, जहाँ पर वरुण काव्या का हाथ पकड़कर घसीटते हुए काव्या को शादी करने के लिए ले जाएगा। तभी काव्या अपनी माँ प्रीता को बेहोश देख लेगी और काव्या अपनी माँ प्रीता को कहेगी मॉम, जहाँ पर जब प्रीता होश में नहीं आएगी और वरुण काव्या के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा होगा, तभी काव्या चिल्लाकर कहेगी प्रीता माँ उठ जाइए, आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा है, क्या आप अपनी बेटी के साथ गलत होता हुआ देख सकती हैं, वरुण आपकी बेटी काव्या के साथ शादी कर रहा है, उठ जाइए माँ। यह सुनकर तभी प्रीता को होश आ जाएगा और प्रीता को होश आते ही बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा और वरुण काव्या की शादी होनी चाहिए क्या नहीं और पृथ्वी के डिप्रेशन में जाने की वजह क्या रही होगी, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।